की सबसे बड़ी खबर, नगीना सांसद ने एक फैसले से बढ़ाई यूपी में सभी की मुश्किलें। क्या सपा कांग्रेस का होगा ज्यादा नुकसान? आपको बता दें कि नगीना लोकसभा सीट से निर्वाचित सांसद चंद्रशेखर आजाद ने ऐलान किया है कि वो एनडीए या इंडिया किसी गठबंधन का साथ नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि वो वंचितों की लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा सीट से जीत हासिल करने के बाद आजाद समाज पार्टी के नेता और नव निर्वाचित सांसद चंद्रशेखर आजाद ने एक ऐसा फैसला किया है जिससे आने वाले समय में सपा कांग्रेस गठबंधन को नुकसान होना तय है। चंद्रशेखर ने कहा कि उनके लिए एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों ही एक जैसे हैं। वो किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे और यूपी में आगे के चुनाव को पूरी मजबूती से लड़ेंगे। चंद्रशेखर आजाद ने भारत समाचार को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि आजाद समाज पार्टी यूपी के सभी चुनाव मजबूती से लड़ेंगी। उनकी पार्टी सभी बूथों को मजबूत कर रही है। इस बार अगर हम भी चुनाव लड़ते तो विपक्षी दल जो सीट 1,00,000 वोटों के अंतर से जीते हैं वो सब हार जाते और चंद्रशेखर आजाद पर आरोप लगाते कि हमारी वजह से हार गए। आपको बता दें कि नगीना सांसद ने कहा कि ये लोग मायावती पर इनके वोट काटने के आरोप लगाते हैं, लेकिन इन्होंने भी तो मुझे हारने के लिए पूरा दम लगाया। विपक्ष के सभी नेता यहाँ आए, मुझे यहाँ की जनता ने जिताया है। मैं किसी गठबंधन के लिए कुछ नहीं कहना चाहता। उन्होंने कहा कि आजाद समाज पार्टी ही बड़ी पार्टी बनेगी। हमारे बहुत सारे लोग चुनाव जीतकर विधानसभा जाएंगे। अभी तो चुनाव आ रहे हैं, उन्हें मजबूती से लड़ेंगे। मेरा विश्वास है आने वाले समय में कई प्रदेश में से हमारे प्रतिनिधि लोगों की आवाज उठाते हुए दिखेंगे। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि वो पिछड़े शोषित वंचित समाज के लिए काम करेंगे ताकि सभी समान शिक्षा और समान स्वास्थ्य का अधिकार हो। उन्होंने आगे कहा कि मैं किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करूंगा। अगर ऐसा होता है आने वाले चुनाव में सपा कांग्रेस को झटका लग सकता है, क्योंकि बसपा के कमजोर होने के बाद जो दलित वोट बैंक विपक्ष की ओर आया है और इंडिया गठबंधन बीजेपी को हराने में सफल हुआ, चंद्रशेखर आजाद उसमें सेंध लगा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बीएच न्यूज़।